जो इस बार का था कि जजमान ये सारे हैं। तो यहीं पर कल कथा वथा हो रही थी, पिछले 7 दिनों से यहीं कथा चल रही थी। आप देख सकते कल तो पूरा का पूरा भर गया था और पीछे भी काफ़ी दूरी तक लोग थे। और वहाँ पे चल रही है भंडारे की तैयारियाँ आज, आप देख ही सकते हैं। और नीचे यहाँ पे औरतें जो हैं वो कीर्तन वगैरह करने में लगी हुई हैं। और ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली जो है जब भी यहाँ पर कथा होती है तो उसके कुछ जजमान भी बने होते हैं, तो इस बार जो है ये लोग यहाँ पे जजमान बने हुए हैं। और जो भी आखिरी दिन की प्रक्रिया वगैरह होती है वो सब यहाँ पे करी जा रही है। और वहाँ भक्तगण आते हुए मंदिरों में भक्तगण आ रहे हैं, यही सब तैयारियाँ चल रही हैं। पूरा रमणीक माहौल हो रखा है इस वक्त भक्ति में। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। यह हनुमान जी का मंदिर है जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया ही है। ये देखिए, जय हो हनुमान जी, जय हनुमान भगवान। ये रहा विंदेश्वर महादेव जी का मंदिर, भगवान शिव जी का। आज देखिए कितने भक्तगण आए हुए हैं। ये नंदी जी की प्रतिमा यहाँ है। और वहाँ पे नक्कोर क्या नाम है शालू बैठी हुई है। और ये जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाई है, भूमिया देव जी का मंदिर है। और गाइज यहाँ पर ना ये देखिए नाग जी की भी प्रतिमा, यहाँ पे नाग जी की भी प्रतिमा रखी गई है, लकड़ी से बनाए हुए नाग जी हैं। और ये हमारी अम्मा गांव की। और ये ताई जी, ये हमारी ताई है, ये हमारी ताई है, ये हमारी अम्मा है। अम्मा को दिखा, वीडियो बेकार है तो अम्मा और ताई को नहीं दिखाएगा। हम आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों को, मंदिर में आए हैं। ये हमारी गांगुली अम्मा। अच्छा अब अगर मैं ए अम्मा बोलूंगा कि सब की सब आ जाएंगी। अरे तो नाम इतना अच्छा गांगुली अम्मा, गंगे नाम है, हर हर गंगे। और क्या, जब पीछे चली जाएगी फिर आवाज दे मेरे को, मैं हाथ पकड़ूंगा चलेगी मैं। सो गाइस ये यहाँ की वैली का पूरा नजारा है, पूरा भक्ति में माहौल हो रखा, देख सकते हैं आप। और नीचे सामने दूसरे गांव दिखाई दे रहे हैं। और ये इस वक्त द्योरा पानी का मौसम और पूरा भक्ति में माहौल। और ये बिंदेश्वर महादेव मंदिर, जय हो बिंदेश्वर महादेव जी। जय। और ये एक हमारे नए नए बाबा जी,
बाबा जी बन गए या वैसे गेटअप रख रखा है? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? संन्यास को गेटअप कहते हो? संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। नक्को तू भी ले ले अब संन्यास। हाँ, अब मेरी जिंदगी जीने की वो उम्र आई है तो संन्यास। वो तेरे से भी छोटा है, वो ना सोच सके। नक्को वो तेरे से भी छोटा, वो भी तो सोच सके। और गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जहाँ मेरी इस वक्त आपको उंगली दिखाई दे रही है जिस डायरेक्शन में है, सो गाइज वो जो वहाँ पर है वो पानी फ्लो हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है कुंड बना हुआ है, पानी का कुंड है वहाँ पे, जो कि पुराणिक समय से ही है, मतलब बहुत टाइम से है वो वहाँ पे। तो वो क्या है, वो धरती से ही पानी आ रहा है, सही है, और वो पानी इस वक्त जो ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ पर, तो वहीं का जो जल है लोग वहाँ से जल लेके, वहाँ से जल लाते हैं, और वहाँ से जल लेके वो इधर बिंदेश्वर महादेव जी पे इधर वो उनको चढ़ाते हैं। तो गाइस यही है यहाँ माहौल पूरा बिंदेश्वर महादेव जी का। और ये देखिए एक ये देवदार का पेड़ कितना बड़ा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिंदेश्वर महादेव जी में देवदार का इतना बड़ा पेड़ है ये देखिए। और इसके पीछे ना पूरा का पूरा ये बांझ और देवदार के पेड़ का जंगल है, ज़्यादातर बांझ है इस पेड़ में, बांझ के पेड़ है, तभी ये जो जगह काफ़ी ठंडी है। सो गाइज अभी जो है हम पता करेंगे यहाँ की जो कथाएं हैं, मतलब हम यहाँ के बारे में पता करेंगे कि जो बिंदेश्वर महादेव मंदिर है ये यहाँ पे जो प्रचलित है ये मंदिर, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, और थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने की। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ ताकि आप लोगों को हम यहाँ के लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकें, यहाँ की जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो हम आपको बता सकें। और गाइज़ यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया है तो मैं आपको यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, कमेंट करें। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, बिकॉज़ गाइज़ बहुत से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं बट मैंने सुना उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो जब तक आप घंटी का बटन दबा के ऑल के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ भी सकती है और नहीं भी, तो आएँ इसके लिए आप जो है ऑल के बटन पे क्लिक करें। तो गाइज़ अभी इन दोनों लोगों का कहना है कि हम रिंगड़ी चलते हैं, तभी वही हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हम रिंगड़ी जाएँ कि नहीं जाएँ। तो आपको बता दो कि रिंगड़ी है कहाँ पर एक्चुअली, ये जो आप वो सामने पहाड़ी देख रहे हैं उसके वहाँ पर जो है रिंगड़ी है, ठीक है। अब वहाँ चाहते हैं कि भाई वहाँ पे जाके ना काफ़ी अच्छे मतलब बुग्याल बने हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ चलें कि ना चलें, तो लेट्स ही देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है, उसके बाद जो है हम रिंगड़ी चलते हैं, और नहीं चले तो भैया आपको वो भी अपडेट मिली जाएगी इस ब्लॉग में आगे। दोस्तों ये यज्ञशाला बनाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यज्ञशाला, तो ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे लाइन से, और ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है देख सकते हैं आप। पंडित जी के बारे में कुछ बताइए। उससे पहले सभी आवाही देवी देवताओं का पूजन होगा, पूजन के पश्चात में उनको आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी, जो इस यज्ञ के प्रधान देवता हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 18,000 श्लोक कहे गए हैं, उनकी मूल मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगे, तत्पश्चात 10 दीपालों का पूजन होगा, ब्राह्मणों संतों का पूजन होगा, ब्राह्मणों संतों के पूजन करने के बाद में पूर्णाहुति का कार्यक्रम, पूर्णाहुति के कार्यक्रम के बाद में मार्गन भागवत के बाद में तर्पण, तर्पण के बाद पश्चात मार्गन, पूर्णाहुति के बाद में तर्पण, तर्पण के बाद मार्गन, मार्गन के बाद में करने के बाद में चरणोदय प्रसाद आराध्य के दर्शन
उसके बाद में विशाल महामंडारे का आयोजन किया जाएगा श्री विंदेश्वर महादेव श्री संग्रामपुरी श्री केशवानंद महाराज जी के सानिध्य में। यहाँ भूमि देवता विराजमान है, यहाँ अरण्य निर्जन जंगल के इस छत्र छाया में यहाँ विंदेश्वर महादेव साक्षात रूप में पधारे हुए हैं, उनके नंदीगढ़ है, साक्षात हनुमान विराजमान है, वरुण देवता को सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रभावित हुए हैं और यहाँ ग्रामवासियों का क्षेत्रवासियों का और इष्ट मित्र बंधु बांधव सगा संबंधियों का सबका सहयोग मिलते आ रहा है। उसी के अपार सहयोग से कार्यक्रम को यहाँ पर आज अष्टम दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम दिवस के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर समापन की ओर जा रहा है। सभी लोगों का अपार सहयोग के साथ में बड़े हर्ष का विषय है। वर्ष प्रति वर्षों के अनुसार में यह कार्यक्रम अपने एक अलग ही छटा में अलग ही सुंदरता को बिखेर रहा है और सभी प्रियजनों का व्यास जी की ओर से यह कथा को समाप्त बहुत आनंद के रूप में संपन्न किया जा रहा है। मिनट एक मिनट पंडित जी, आप अपने नाम और परिचय बताइए। अच्छा, मैं इसी गांव का ग्राम देवरा पानी बिगड़िया, ग्राम पंचायत का नाम बिगड़िया है लेकिन मूलभूत पहले से देवरा पानी कहते हुए आए हुए। और मैं जगदीश चंद्र खड़गे की साहित्य से आचार्य और इसी ग्राम सभा में और इसी मंदिर से जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इस यज्ञ मंडप के प्रांगण में, विंदेश्वर महाराज के प्रांगण में, भूमि देवता के प्रांगण में, हनुमान के प्रांगण में, मैं इसी मंदिर से सौभाग्य ही कहेंगे, शब्दों के लिए तो शब्द कहीं नहीं आता, व्याख्या कहीं नहीं आती है। और मैं इसी मंदिर से इसी मंदिर का पुजारी के रूप में यहाँ से पहले से पैतृक चला आ रही, पहले पूज्य पिताजी श्री हीरावल प्रगति जी को हीरावली जी के नाम से लोग इस पूरे अगला समय जानते थे और आज उन्हीं के पुत्र के रूप में मैं जगदीश चंद्र खड़गे थी महाराज जी की कृपा प्रसाद से इन यज्ञों के को समाप्त संपन्न कराते हुए आज इस अष्टम दिवसीय कार्यक्रम में पूर्णाहुति के आयोजन तक पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि सभी पूरे प्रधान पीठ सर्व मत के रूप में है, वहाँ साथ साथ स्थानीय देवता के रूप में विंदेश्वर महादेव, भूमि देवता, पवन पुत्र, व्यास पीठ, गरुण देव, अन्नपूर्णा भंडार, महाराज जी का आश्रम, मोमेंट्स लेटर। तो ये हमारे साथ आचार्य जी हैं जो यहाँ पे भगवत कथा पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही अपना परिचय भी देंगे आपको। तो आचार्य जी आप अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में। मैं कमलेश चंद जोशी, विशाल देव महंगारी से, और भागवत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भागवत जी का सिद्धांत है सत्यम परम धीमहि, सत्य जीव के जीवन में हो, सत्य ही परम है, परम माने परमात्मा, परम पुरुष ही श्रेष्ठ है, परम माने श्रेष्ठ जो अद्भुत है, अकाट्य है, अक्षय है, ऐसे परमात्मा हम जीवों के जो ध्यान करने योग्य हैं वो हमारे सभी मनुष्यों के अवश्य ही मानसिक ध्यान परमात्मा में रमण करें, परमात्मा में लगे, ये भागवत जी का सिद्धांत है। भागवत जी उस जीव को प्राप्त होता है, भागवत श्रवण लाभ उस जीव को प्राप्त होता है जिस जीव के जीवन में बोले पुण्य उदय होता है। भागवत जी कह रही हैं जन्मांतरण भवे पुण्यम ततः भागवतम लभे, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तब जाकर के हम मनुष्यों को भागवत जी का लाभ होता है। इसलिए कह रहे हैं चाहे आप करोड़ों करोड़ तीर्थों का दर्शन कर लीजिए, चाहे भागवत जी को अपने जीवन में एक बार श्रवण कर लीजिए, बराबर फल की प्राप्ति है। तो विंदेश्वर धाम बहुत ही अद्भुत धाम है, बहुत ही यहाँ पर आनंद ही आनंद है, आनंद की वर्षा है, तो आप सब भी आनंद लीजिए, हम भी आनंद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों अब देवरा पानी के इस पवित्र धाम में जो कि यह पवित्र मंदिर है यहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर जो अभी हम आए हैं ये प्राचीन जल धारा है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इसको, देखिए ये पानी का कुंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा ओवरफ्लो हो रहा है ऊपर तक। तो ये पानी का कुंड प्राचीन समय से ही यहाँ पे बना हुआ है और इसकी अपनी एक कहानी भी है। ये
हम यहाँ के लोकल लोगों से पता भी करेंगे, यहाँ की जो कहानियाँ हैं प्रख्यात कहानियाँ, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पानी जो है शुद्ध शीतल है, ठीक है, और इस वक्त ओवरफ्लो हो रहा है। तो देवरा पानी में ये कुंड काफ़ी जो है मतलब लोगों के आध्यात्म तौर पर जुड़ा हुआ है, इसकी अपनी काफ़ी मान्यताएँ हैं। तो यहाँ से जो ये जो जल है पवित्र जल, इस पवित्र जल को ऊपर लेके जाते हैं वहाँ पे बिंदेश्वर महादेव मंदिर में, और वहाँ पे शिवलिंग पे हम ये जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम भी जो है इस पवित्र पानी को, इस पवित्र जल को लेके जा रहे हैं, और इस जल को हम हमारे जो बिंदेश्वर महादेव जी हैं उनमें हम ये जल चढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ऊपर आओगे बबलू? हाँ चले। कल हमारी विदाई कड़ी चावल खा के ये देखो वीडियो बनाइए अच्छे से। ले भाभी के साथ फोटो खींच। भाभी ने पूरा पहनावा पहन रखा। ले मोमेंट्स लेटर ओमा भुवनेश्वरी दत्ते स्वाहा ओमा घटघटेश्वरी दत्ते स्वाहा। तो इस वक्त दोस्तों अभी जो है ये जो यहाँ यज्ञ हो रहा है इसकी परिक्रमा करी जा रही है। भक्तगण जो आए हुए हैं वो यहाँ पे परिक्रमा करते हुए, और यज्ञशाला के अंदर जो है वो जजमान बैठे हुए हैं और पंडित बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं और जजमान बैठे हुए हैं यज्ञशाला के अंदर। और ये देखिए कुछ भक्तगण यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ जो है भक्तगण आपके इधर बैठे हुए हैं, और उधर जो है आपका भंडारे की तैयारी चलते हुए। Moments later. तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है भंडारे की तैयारियाँ, चलिए देखते हैं। ये सामने हमारे अन्नपूर्णा भंडार है, और ये है यहाँ भोजन कक्ष बना हुआ, वो जलपान कक्ष, और यहाँ भंडारे की तैयारियाँ चलते हुए। ये देखें यहाँ अभी पूरियाँ वगैरह बन रही हैं, प्रसाद बन रहे हैं। Moments later. हाँ ये बाहर दे दो, छोटा भी है, चलो माइक भी ले लो बढ़िया करके। हाँ जी नारायण नारायण श्रीमन नारायण अजमन नारायण नारायण इस जीवन इतने जीवन मिला हुआ है, ये महाराज जी ने सोचा आपको इसी ये हमारे संकेत के बारे में काफी माया थे, इसके साथ हमने अपने जीवन गया मानस में अब मिलना है नहीं मिलेगा अभी नहीं कभी नहीं, ये जीवन हमको मिला है। तो स्टार्ट कहाँ से करें,
संघर्ष से करते हो, कृष्ण से करते हो, राम से करते हो, हनुमान से करते हो, किसी से किया जाता है। लेकिन मैं हूँ संत कबीर का अनुयायी, जिसको पैदा होते ही फेंक दिया गया, वहाँ से उठा के आया और साथ लिया और सबसे सर्वोपरि सुबह आपके सामने जीवन का सार दूंगा कबीर दास से। फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर मिलेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। बच्चों आओ से आओ, आओ से आओ, ध्यान दो, आओ से आओ। चतरिया झींगी रे झींगी, चतरिया झींगी रे दिल में एक भूत बीज बनती है अगर सात्विक खाना खाया जाए, ठीक। आखिर वहां बीज कुछ बीज से पैदा हुई 9-10 साल में। अब हमको रंग किसने चढ़ाया? बाहर आगे तो 5 साल हम अपने घर के अंदर रहे। हमारी माताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारे सभी लोगों ने हमारा जीवन 5 साल तक को आगे बढ़ाया। तो मैं जब स्कूल पढ़ने गया तो मैं सबसे पहले यही पढ़ाया, यहाँ पर पढ़ा बच्चे कुंड बहता था, ये निकालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उनसे तो हमको एक गाड़ी का इधर से इधर पे टिका, उसको फिर ऐसे उठा, नहीं यहाँ पे टिका।